हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद हारून राशिद है और लिखना जब ही किया शुरू किया था कि जब दिल टूटा था बस अब भाई। तो आज यूजुअली मैं शायरी लिखता हूँ, तो पहली चीज़ लिखी थी वो ये था कि एक शेर लिखा था कि कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, फिर क्या था मैं सोता रहा और दीवारें रोती रहीं। तो शायरी शुरू से शायरी की है, पहली बार कहानी सुना रहा हूँ तो बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी पर्सनल स्टोरी है। बात उस दिन की है कि सुबह सुबह मैं उठा, चाय पी और स्कूल चला गया। बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन, शायद गर्मी का सबसे गर्म दिन था, 48 डिग्री सेल्सियस हुआ शायद। शाम में वापस आया, थका हारा घर आया, मम्मी ने जल्दी से ग्लूकोज घोल के पिलाया और मैं सो गया। दोस्त का फ़ोन आया, शाम में एकदम से नींद खुली, दोस्तों ने बुलाया, मैं वही ट्राउजर्स और टी शर्ट में दोस्तों के साथ बाहर चला गया। तो एकदम से क्या देखता हूँ कि वो रोड के साइड में जो लाइट लगी रहती है ना, उस लाइट के नीचे पीले दुपट्टे में कोई खड़ी थी। शायद मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है, मेरा उससे कोई रिश्ता है जो टूट चुका था, वो कहीं दूर छूट चुका था। तो ऐसा लगा कि मैं जाके उससे बोलूं, तो याद आया कि वो यही पीला दुपट्टा है जिसमें लाल लाल फूल थे, उस काले रंग का कुर्ता था। मैं एकदम से घबरा गया, कहते हैं ना कि दर्द में जो लोग शर्माते हैं वैसा शर्मा गया। तो जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बाइक आई, रुकी, उस पर बैठी और चली गई। मुझे ऐसा लगा उसने मुझे देखा, देख के इग्नोर कर दिया और मैं वहीं रो दिया। तो इसी गम में 5 साल बीत गए और मैंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते कुछ जगह पे परफॉर्म भी किया, और परफॉर्म करने के बाद मेरी ज़िंदगी में फिर कोई आया। वो वहीं बैठी है, चश्मा पहने, वाइट सूट में। तो होता ये है कि जब मैं उस दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से एक मैसेज पॉपअप हुआ, हाय मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी थी। तो कहानियाँ शुरू हुई, हमारी बातें हुई, मुलाकातें हुई, वीडियो कॉल पे वो ऐसी बातें हुई जिनके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। और कुछ ना भुला पाने वाली भी रातें हुई। तो जब हम पहली बार मिले तो हम दोनों के बीच एक हमेशा से टेंशन रहती थी कि तुम लंबी हो मैं छोटा हूँ, और बात यह है कि वो मुझसे 2 इंच लंबी है। तो जब हम पहली बार मिले तो मैं ऑफिस से सीधा मिलने गया था, तो सुबह से लेकर शाम तक की हालत वैसे ही ख़राब थी। थका हारा बस में ट्रैवल करते हुए पहुंचा तो देखा कि दूर से देखा तो ऐसा लगा कि हाँ यार लंबी तो है। पास गया तो मतलब पहली बार कोई मिलता तो क्या नोटिस करता है कितनी अच्छी है, कि क्या पहना है क्या नहीं। मैंने पहली बार जो नोटिस किया था कि हाइट, मैंने छूटते गया 2 इंच लंबी हो तुम। और वो हंस दी। उसके बाद से जो रिश्ता चला आ रहा है, आप मानेंगे नहीं, मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, वो मुझसे प्यार बहुत करती है लेकिन दिखाती नहीं है, जब तक मैं ऑफिस से घर ना पहुँचाऊँ वो खाती नहीं है। हम लड़ाई करते हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैं इतना मोटा हो गया हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप मानेंगे नहीं, हमारी 2 दिन से इस बात पे लड़ाई चल रही है कि तुम नहीं खाओगे ना तो मैं अकेले बैठ के खा नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, किस्सा किस्से कहानियाँ हज़ार होती हैं, बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, प्यार का जो जज्बा होता है ना वो अलग ही होता है। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक रेल की तरह है, कोई आता है फिर चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक मकड़ी होती है दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, जितनी बार चढ़ती है गिर जाती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती, तो फाइनली चढ़ जाती है। तो हम गलतियां करते हैं, एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कोई हम एक ऐसा हमें लगता है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, लेकिन करने से पहले ना वो होता है कि हाँ करके देखते हैं, क्या पता हो जाए, और हो गया। थैंक यू।